आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्टली ओबीएस से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, ओबीएस फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। इवन करिमनाटी, ये टेक्निकल सागर, टेक्निकल गुरुजी पहले करते थे, अभी तो वो लाइव वीडियो करते हैं। लेकिन जितने भी ये टेक्निकल ज्ञान वाले मनोज सारू जी, जितने भी टॉप यूट्यूबर हैं, वो सभी ओबीएस का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। और ओबीएस का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि ओबीएस एक फ्री ओपन सोर्स नो वाटरमार्क वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो कि टोटली फ्री है। इसे आप अपने किसी भी लैपटॉप में, चाहे वो विंडोज का हो, विंडो 11 हो, विंडो 10 हो, विंडो 7 हो, या फिर आपके पास एप्पल का मैकबुक हो, या फिर कोई भी डिवाइस, आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं सेटिंग वेटिंग के बारे में। सो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर इसे आपको डाउनलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए भाई, सबके लिए वीडियो है, ओबीएस डाउनलोड फॉर विंडो 11। जैसे आप इसको सर्च करेंगे गूगल में, ये वेबसाइट एक आ जाएगी ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर की, डाउनलोड ओबीएस स्टूडियो। इस पर आप जाएंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहां पर देखिए अगर आपका विंडो है, विंडो पर क्लिक करेंगे और यहां पर डाउनलोड इंस्टॉलर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कंप्यूटर में एक फाइल आएगी इस तरीके से, और ओबीएस स्टूडियो और वर्जन, देखिए यहां पर वर्जन दिया है, फुल इंस्टॉलर एंड एप्लीकेशन फाइल है, इसको आपको सेव करना है। सेव करने के बाद जैसे ये फाइल यहां पर देख लेंगे कि डाउनलोड हो रही है, 127 MB की ये फाइल होती है, इसको आपको डाउनलोड कर देना है। जब डाउनलोड हो जाए इसको ओपन कर लेना है, डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मैं क्या बताने वाला हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मैंने ये खोला, जब मान लीजिए कि आप ओबीएस को डाउनलोड कर चुके होंगे, इंस्टॉल कर चुके होंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ओबीएस का इस्तेमाल करना है तो उसमें कैसे आप लोग यहां पर सोर्सेज ऐड कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो। ये दो चीज मैंने बताया था, विंडोज कैप्चर का, डिस्प्ले कैप्चर का, और यहां पर ऑडियो इनपुट कैप्चर का। ऑडियो इनपुट से होता है क्या है कि देखिए यहां पर जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहां पर फ्लक्चुएट कर रहा है ऑडियो इनपुट। और ये विंडो कैप्चर क्या है भाई, इससे डेस्कटॉप पर जो भी चीजें होती है वो कैप्चर होता है। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर, इसमें आप कुछ भी कई सारे सीन क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग एक ही जगह पर अलग अलग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो मैं आप लोग को मेन जो कर देता हूं, जो बेसिक जो चाहिए आप लोग को, उसका मतलब मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको रिकॉर्डिंग करना है तो यहां पर आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। और देखिए यहां पर लिख रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, मतलब यहां पर देखिए रेड कलर का सिग्नल आएगा और इसको स्टॉप करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। ये फाइल आपको मिल जाती है यहां पर, फाइल पे जाएंगे, सो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है अभी जस्ट देखिए 19 बज रहा है यहां पर, 24 फॉर्मेट का टाइम फॉर्मेट है, और यहां देखिए अभी जस्ट ये फाइल आ गई है, इसको आप ओपन करके चला भी सकते हैं। चलिए सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी क्वालिटी। जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया कि इसको सो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे ये फाइल आएगी, तो यहां पर देखिए फाइल कैसी दिख रही है, सब कुछ यहां पर देख सकते हैं क्लियरली आ रहा है। तो इसके लिए आपको सेटिंग करनी होती है। सेटिंग के लिए यहां पर देखिए, यहां पर साइड में आपको दिया गया है सेटिंग का, सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है जनरल सेटिंग में। जनरल सेटिंग में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, जैसे कि लैंग्वेज है, थीम है, तो ये बेसिक चीज है, इसको आपको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा आउटपुट में देखिए यहां पर ज्यादा कुछ जनरल आउटपुट में कुछ भी यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। स्ट्रीमिंग आपको करना नहीं है, स्ट्रीमिंग आपको करना होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही आसान है वो भी। YouTube से स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अलग अलग सोर्स चैनल से आप जो है स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस मान लीजिए कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद जब इसका जो फाइल बनता है उसमें जो चीजें हैं वो क्लियर आ रही नहीं, क्लियर दिख रही नहीं वीडियो में, वो जो अगर धुंधला दिखाई देगा तो कोई मतलब नहीं है। तो आउटपुट का जो सेटिंग है, यहां पर आएंगे, क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप में स्टैंडर्ड ही रहने देंगे। रिकॉर्डिंग सेटिंग में यहां पर पाथ दे सकते हैं कि आपका जो वीडियो फाइल है वहां कहां पर सेव होगा। देखिए रिकॉर्डिंग पाथ है, इस पर ब्राउज करके आप कहीं भी दे सकते हैं, ब्राउज पे क्लिक करके आप किसी भी फोल्डर में चाहो तो आप वो दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट में देना है तो डॉक्यूमेंट में जाकर यहां पर न्यू फोल्डर बना देंगे, और यहां पर डॉक्यूमेंट में नहीं देंगे क्योंकि ये सी ड्राइव में जाता है, मैं यहां पर कहीं और जगह से कि न्यू ड्राइव न्यू वॉल्यूम डी में जाता हूं, और यहां पर मैं न्यू फोल्डर बनाता हूं और यहां पर ले जाता हूं कि ओबीएस एंड वीडियो, ओके स्क्रीन SCRWN। अब ये जो हमारा जो मैंने इसको सेलेक्ट फोल्डर कर दिया तो यहां पर देखिए ये ओबीएस वीडियो स्क्रीन डी ड्राइव में आ गया। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो पीसी है उसमें सी ड्राइव जल्दी भरेगा नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देखिए MP4 मैंने सेलेक्ट किया है, आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे फॉर्मेट है। MP4 मैंने इसलिए किया है ताकि इजिली से किसी भी वीडियो एडिटिंग
सॉफ्टवेयर से ये सपोर्ट कर लेता है। आप चाहो तो यहां पर ये भी कर सकते हो, m.mkv है, ये भी अच्छा चलता है। ठीक है, वीडियो इनकोडर इनकोडर जो है एनवीडिया है, इसको यही रहने दीजिए। ऑडियो फॉर्मेट में यहां पर AAAC है, इसको ही रहने दीजिए, अच्छा होता है। अब यहां पर देख लीजिए, और नीचे कुछ भी मैंने यहां पर सेल चार्ट नहीं की है। इनकोडर सेटिंग में जाना है आपको, यहां पर बिट रेट 4000 kbps रखना है, ट्यूनिंग हाई क्वालिटी रखना है, प्रीसेट स्लो गुड क्वालिटी रखना है, एंड यहां पर मल्टी पास मोड में 2 पास क्वार्टर रेजुलेशन रखना है, प्रोफाइल में हाई रखना है। नीचे आएंगे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, यहां पर कुछ नहीं करना है। ऑडियो में जाना है, ऑडियो में जाकर आपको यहां पर ऑडियो बिट रेट यहां पर 300 सबसे हाईएस्ट रखा, ताकि ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और यहां पर 1, 2, 3, 4 मैंने लगा दिए हैं सब अलग अलग। आप देखो ज्यादा तो जरूरत नहीं है, पर मैंने यहां पर सेटिंग कर दी है, आप भी 1-2 में कर सकते हो। आप चाहो तो ये भी रख सकते हो, 192 रख सकते हो, 256 रख सकते हो, मैंने यहां पर सबसे हाई क्वालिटी रख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कुछ जरूरत नहीं है, अप्लाई पर बटन पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये देखिए यहां हमारा जो है सब कुछ सेटिंग हो गया है। ये बेसिक OBS से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अब देखिए सब कुछ हो गया, यहां पर मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पर ये YouTube ओपन करना है, तो मैं YouTube ओपन करता हूं। YouTube तो यहां पर कुछ इस तरीके से YouTube ओपन हो रहा है, एंड यहां पर देख सकते क्लियरली ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब क्या है कि यहां पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको बेसिकली यहां पर दिखा दिया था, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहां पर क्लियर दिखाई देगा। चलिए अब मैं इसको ये मैं बंद कर देता हूं, यहां पर OBS को यहां से मैं स्टॉप कर दूंगा। उसके बाद ये फाइल यहां पर आ जाएगी, शो रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये फाइल आ चुकी है। इसको डबल क्लिक करके प्ले करते हैं, देखा आपने ये फाइल, मतलब ये देखिए क्लियरली जो है ये सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी अपने लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं OBS का इस्तेमाल करके, जो कि टोटली फ्री है। और आप लोग को मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आता, क्योंकि ये फ्री ओपन सोर्स है। ठीक है, इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। और मैं अभी OBS का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर फिल्मोरा का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर फिल्मोरा अगर OBS का इस्तेमाल करता तो मैं आपको बता नहीं पाता। ठीक है, कोई अलग स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए आपको बताने और सिखाने के लिए, तो मैंने OBS का सिखा दिया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिल्मोरा से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।